नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बैठक का आयोजन होना है, तो इस बैठक में लाखों कर्मचारियों के नए वेतनमान, इसके अलावा पुलिस पे बैंड, वहीं स्कूलों को खुले रखने या बंद रखने पर फैसला होना है। तो क्या ये तमाम अपडेट आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं, कैबिनेट बैठक होनी है, तो इस बैठक में क्या बड़े फैसलों पर मुहर लगेगी। तो हिमाचल कैबिनेट बैठक बजट सत्र पर होगा मंथन, कांस्टेबलों और नए वेतनमान के तीसरे विकल्प पर भी फैसला संभव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार यानी 31 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बजट सत्र को लेकर मंथन किया जाएगा। जयराम सरकार का आखिरी बजट सत्र फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। वहीं मुख्यमंत्री चुनावी साल में अपने पांचवें बजट को मार्च के पहले हफ्ते में पेश कर सकते हैं। इसे मार्च अंत या अप्रैल के पहले सप्ताह में पारित किया जाएगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस कांस्टेबलों को मिलने वाले संशोधित पे बैंड को अन्य विभागों के समक्ष कर्मचारियों के अनुरूप देने का ऐलान भी हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो कर्मचारियों के नए संशोधित वेतनमान के लिए तीसरे विकल्प के नियमों को भी बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इन्हें पंजाब सरकार के नए संशोधित वेतनमान के तीसरे विकल्प के नियमों के अनुसार तय किया जा रहा है। सरकार ने बेसिक वेतन और डीए में 15% बढ़ोतरी का विकल्प भी सरकारी कर्मचारियों को दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 2.25 और 2.59 के गुणक से बढ़ोतरी के दो विकल्प दिए थे। वहीं कर्मचारी तीसरे विकल्प की मांग कर रहे थे। वहीं हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को खुले रखना है या बंद रखना है, तो शिक्षा विभाग ने इसको लेकर दो विकल्प तैयार किए हैं। तो अब सरकार पर फैसला बचता है कि सरकार क्या फैसला लेती है स्कूलों को खुले रखने या बंद रखने पर। तो यही थी बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बैठक का आयोजन 31 जनवरी को किया जाएगा। तो इस बैठक में बजट सत्र, इसके अलावा कांस्टेबलों के पे बैंड, वहीं नए वेतनमान के तीसरे विकल्प पर भी फैसला संभव है। तो यही थी बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।